सूरज मैदान में परम जीत और आप देख रहे हैं 8 to 1। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, यदि आप आधार कार्ड में ऑनलाइन एड्रेस चेंज किए, अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे एड्रेस तो चेंज कर दिया हूँ और क्या वो एड्रेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अगर आपको यहाँ पे स्टेटस चेक करना है तो आप अपने मोबाइल के मदद से दोस्तों आप यहाँ पे इजिली हमसे पे स्टेटस चेक कर पाएंगे। दोस्तों आपको पे स्टेटस कैसे चेक करना इस वीडियो का शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी में जरूर दबा देना। आपको यहाँ पे नए नए वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले दोस्तों को वीडियो मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों आपको पे गूगल में आना होगा। गूगल में आने पर दोस्तों आपको पे सर्च करना है क्या चीज, आपको पे UIDAI इतना आपको पे सर्च करना, ठीक है। इतना लिख के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना, सर्च करने में तो दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा UIDAI, ठीक है, .gov.in, ठीक है। इसके बाद आपको इसी वाले टैप करना है। जैसे आप इसके ऑप्शन पे टाइप करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको पे लैंग्वेज चूज करना होगा, अपने अनुसार से लैंग्वेज चूज कर लेना। आपका जो भी राज्य का लैंग्वेज होगा, जैसे कि मराठी हो गया बंगला हो गया, उसका गुजराती हो गया, इंग्लिश हिंदी जो भी आपको लग रहा है, उड़ीसा लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो मैं अपना यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लेता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज चूज करने के बाद दोस्तों आपको पे इस टाइप से इंटरफेस मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको कट पे क्लिक कर दो, उसका थोड़ा सा पेज को ऊपर करो। थोड़ा सा पेज को ऊपर करने के बाद दोस्तों आप देखो भाई अपडेट आधार का जस्ट नीचे देखो 3 नंबर पे अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस, ठीक है। इसी वाले ऑप्शन क्लिक करो, क्या चीज़ लिखा है, अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस। आपको इसी वाले ऑप्शन क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऑप्शन क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप देखो यहाँ पे क्या चीज़ लिखा है ऊपर में, वेलकम टू माय आधार। उसके बाद दोस्तों देखो भाई नीचे में लॉगिन मिलेगा, और दोस्तों देखो भाई नीचे में लॉगिन विथ आधार एंड OTP, जो भी आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है भाई उस पर OTP जाएगा, OTP डाल के तभी दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन वाले क्लिक करना होगा। लॉगिन वाले क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पे कुछ देर वेट करना होगा। कुछ देर वेट करने के बाद दोस्तों मैं आपको आगे के इंटरफेस दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा सा मेरा नेट यहाँ पे स्लो काम कर रहा है, इसलिए भाई यहाँ पे साइड थोड़ा सा यहाँ पे वर्क थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आधार नंबर डाला, जो भी आपका आधार नंबर होगा आपको अपना अकॉर्डिंग आधार नंबर सही डाल देना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैप्चा कोड, यही वाला आपको कैप्चा कोड देख के आपको यहाँ पे इसको ऑप्शन टाइप क्लिक करके यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, यानी टाइप करना जो भी का। अगर आपको कैप्चा कोड अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसी वाले ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे कैप्चा को रिफ्रेश कर पाएंगे, ठीक है। न्यू कैप्चा कोड आपको यहाँ पे देख, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो फिर से इसके ऑप्शन क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कैप्चा कोड को यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, ठीक है। चलो भाई मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ, कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के और सेंड OTP क्लिक कर दो। जो भी आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर 6 अंक OTP आएगा, OTP डाल के तभी दोस्तों आप यहाँ पे लॉग इन कर पाएंगे, ठीक है। चलो मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ और जो भी मेरा यहाँ पे कैप्चा कोड है कैप्चा कोड डाल देता हूँ और सेंड OTP क्लिक करके आगे प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो वीडियो भाई शुरू लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल दिया हूँ, कैप्चा कोड डाल के मैं सेंड OTP क्लिक किया था, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो एक टाइमर चल रहा है और आपको यहाँ पे OTP डालना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे OTP का वेट कर रहा हूँ, कब तक यहाँ पे OTP आ रहा है। जैसे OTP आएगा दोस्तों यहाँ पे मैं अपना डाल के लॉगिन पे क्लिक करके आगे दिखाऊंगा इंटरफेस, ठीक है। चलो भाई मैं अपना OTP का इंतजार कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखो भाई OTP आ चुका है, यहाँ पे क्या चीज़ डालना है, 5116 01 है, ठीक है, 5116 01, ठीक है। यानी भाई इसका इंग्लिश बता देखिए 5216 01, ठीक है। ये OTP जैसे मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, OTP डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना होगा। और दोस्तों यहाँ देखो भाई थोड़ा सा पेज थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, और दोस्तों इसलिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट वर्क नहीं कर रहा है, मैं आपको बता दूँ कि मेरा यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए। और जैसे यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाएगा मैं आपको आगे के इंटरफेस दिखाने वाला हूँ कि आधार कार्ड में जो भी आप यहाँ पे एड्रेस चेंज किए होंगे आप इजीली हमसे पे स्टेटस चेक कर पाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी शॉप पर जाने की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल की मदद से आधार में जो भी आप आधार यानी एड्रेस चेंज किए होंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटस चेक कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो भाई नीचे आपको मिलेगा आधार अपडेट मिलेगा, इसी वाले ऑप्शन क्लिक करना होगा। जैसे इसके वाले ऑप्शन क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखो भाई यानी क्या चीज़ है आधार अपडेट, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो कंप्लीट यानी इसी वाले एरो वाले पे क्लिक करूँगा साइड में, एरो वाले पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ देखो भाई यहाँ पे मुझे क्रिएट में 1 तारीख को यानी 1/5 यानी 1/5/2023 यानी 2023 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो भाई यहाँ भी मैंने कब यहाँ पे मैं अपडेट किया था आधार में एड्रेस, मैंने इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ कि आधार कार्ड में यानी एड्रेस कैसे चेंज करना। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना कि आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज करें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, मैं उसके यानी उस वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को वॉच कर लेना फुल वॉच, ठीक है, आप सीख पाएंगे कि आधार कार्ड में अपडेट कैसे करें एड्रेस, ठीक है। उस वीडियो को जरूर फुल वॉच कर लेना, ठीक है। और मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि आधार कार्ड में अगर आप यानी एड्रेस अपडेट कराए होंगे, अगर आपको स्टेटस चेक करना कि आधार कार्ड मेरा एड्रेस अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो गाइज अपने मोबाइल की मदद से इजीली हमसे पे आधार कार्ड में अपडेट स्टेटस चेक कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो 1/5 यानी 1 तारीख
और पांचवा महीना 2023 में मैं अपडेट किया, आज हो गया 4 तारीख हो गया, यानी 2 से 3 दिनों भाई यहाँ देखो 72 घंटा मुझे यहाँ पे एड्रेस चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ देखो भाई यहाँ सक्सेसफुल एक तरह से मानो कि हो चुका है अभी कंप्लीट यहाँ पे, लेकिन बताया नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे दोस्तों आपके पे आधार कार्ड में आपका यहाँ पे एड्रेस चेंज हो गया होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कैसे चेंज करना, तो यानी आपको कैसे चेक करना कि आधार कार्ड मेरा एड्रेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अगर आपको यहाँ पे शो नहीं करा आधार कार्ड तो दोस्तों आपको क्या चीज़ क्लिक करना होगा, ऊपर में देखो आप लोगो मिलेगा। ठीक है, आपका फोटो वाले आइकन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद दोस्तों आपके पास आधार नंबर इसी वाले इसके ऑप्शन एक बार आपको टच करो, इसके ऑप्शन टच करोगे दोस्तों आपका जो भी आपका आधार कार्ड में जो भी आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कराए होंगे आपका न्यू वाला एड्रेस आपको यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं फिर से एरो क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करो, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पे फोटो आ जाएगा, उसके आपको डाउनलोड पर साइड पर क्लिक करो, डाउनलोड आपका हो जाएगा, आप पीडीएफ में अपना देख सकते हैं कि आधार कार्ड में आपका यहाँ पे जो भी है अपना आधार कार्ड में जो भी आपका हुआ इसके वाले ऑप्शन टिक मत करना। ठीक है, इसको ऑप्शन टिक मत करना, आपको यहाँ पे इसी रहने दे, इसको डाउनलोड क्लिक करके पीडीएफ में चेक कर लेना आपका आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, आपको इजीली नाम से यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे चेक किया हूँ, दोस्तों मेरा यहाँ पे आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो गया है और सक्सेसफुली भाई 2 से 3 दिनों का अंदर दोस्तों यहाँ पे मेरा आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो चुका है। तो अगर आपको भी एड्रेस चेंज करना आधार कार्ड में अपने मोबाइल की मदद से 50 रुपये चार्ज देकर कहीं भी आपको शॉप पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो दोस्तों मैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को फुल वॉच करना। ठीक है, तो छोटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा दो। बाय बाय दोस्तों।